हेलो गाइस, मेरा नाम है गुलाम गौस, आप देख रहे टेक सिंपल। तो आज हम कैमरा टेस्ट करेंगे पोको C31 में, जिसमें हम बहुत सारा आपको फोटो सैंपल्स दिखाएंगे, जिसमें पोर्ट्रेट सैंपल होगा, नॉर्मल सैंपल होगा, वीडियो सैंपल दिखाएंगे और इसका स्टेबलाइजेशन भी हम टेस्ट करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि मैंने इस पे बहुत सारा सैंपल्स दिखाया है और डिटेल्स तरीके से मैंने इसमें कैमरा रिव्यू किया है, तो वीडियो को आप जरूर एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा मिल जाता है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिल जाता है। कैमरा को जैसे ही आप यहां से ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिख जाएगा। सबसे पहले आप इसमें प्रो ले सकते हैं, जिसमें आप ISO, वाइट बैलेंस ये सब अपने हिसाब से एडजस्ट करके ले सकते हैं फोटो। उसके बाद आप इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो मैक्सिमम आप HD और फुल HD पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ से आप नॉर्मल फ़ोटो ले सकते हैं और यहाँ से आप पोर्ट्रेट फ़ोटो ले सकते हैं। और उसके बाद मोर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक नाइट मोड मिल जाएगा, टाइमलेस मिल जाएगा, शॉर्ट वीडियो लेने का ऑप्शंस मिल जाएगा। यहाँ पे स्लो मोशन का मुझे ऑप्शंस नहीं दिखा है। ऊपर के साइड में यहाँ से आप HDR का इनेबल कर सकते हैं, AI दिया हुआ है और यहाँ पे बहुत सारा आपको फिल्टर मिल जाएगा। फोटो लेने से पहले इसे लगा करके आप फोटो ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको गूगल लेंस मिल जाएगा, जिसके जरिए आप किसी भी प्रोडक्ट का फोटो लेकर उसे आप गूगल पे पता कर पाएंगे कि वो क्या चीज़ है। उसके बाद यहाँ से आप कैमरा का रेशियो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप फुल स्क्रीन में कैमरा को रखना चाहते हैं कि नॉर्मल में रखना चाहते हैं। कैमरा सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे वही आपको MI का जो सेटिंग होता है वही सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप इसमें वाटरमार्क लगा सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, शटर साउंड को आप रखना चाहते हैं कि नहीं, लोकेशन रखना चाहते हैं कि नहीं, वही सब रहता है। तो चलिए यहाँ पे कुछ फोटो सैंपल हम ले लेते हैं और देखते हैं कि इसका क्वालिटी कैसा निकल के आता है 13 मेगापिक्सल के हिसाब से और इस प्राइस के हिसाब से। तो यहाँ पे हम कुछ फोटो सैंपल ले रहे हैं, जिसे हम दोनों मोड में लेंगे, एक फ़ोटो हम नॉर्मल भी लेंगे और एक हम पोर्ट्रेट में भी लेकर के देखेंगे कि दोनों का डिफरेंस इसमें कितना देखने को मिल जाता है। और ये जो आप फोटो सब देख रही है, सारा फोटो अभी हम इंडोर में लेंगे और हम लो लाइट का भी सैंपल सब दिखाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पे पोर्ट्रेट सैंपल निकल के आया है। मैंने एक चाबी का फ़ोटो लिया था और उसका क्वालिटी आप देख सकते हैं। तो पोर्ट्रेट का जो एक बैकग्राउंड का ब्लर है वो ठीक ठाक निकल के आ जाता है। लाइट का कंडीशन अगर सही रहेगा तो कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप एक देख सकते हैं मैच बॉक्स का फ़ोटो है, वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी शार्प है, सेचुरेशन भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छा फ़ोटो को मिल जाएगा। प्राइस के हिसाब से मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन 8000 के बजट से ठीक ठाक है, क्योंकि इसमें आपको फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है और प्रोसेसर भी जो है हीलियो G35 का है, तो उसके हिसाब से मैं ठीक कहूँगा। बहुत अच्छा नहीं है लेकिन काम चलाने के लिए कैमरा ठीक ठाक मिल जाता है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल इसमें सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जिसमें यहाँ से आप ब्यूटिफिकेशन भी अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें भी आपको बहुत सारा फिल्टर मिल जाता है, जो आप सेल्फी लेने से पहले इसे सेट कर सकते हैं और सेल्फी ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा फ़ोटो आप ले पाएंगे, चाहे वो फ़िल्टर का हो या ब्यूटिफिकेशन मोड ऑन करके लीजिए। या बहुत लोग को ब्यूटिफिकेशन पसंद भी नहीं आता है तो आप नेचुरल भी ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ फ़ोटो सैंपल है जो हमने नेचुरल मोड में लिया है, इसे ब्यूटिफिकेशन बिल्कुल भी ऑन नहीं है, मैंने ऑफ कर दिया था। तो कुछ इस तरह से आपको इसमें फ़ोटो मिल जाएगा और ज़्यादा जूम करेंगे तो हो सकता है कि आपको हल्का हल्का इसमें नॉइज़ भी देखने को मिले, क्योंकि ये इंडोर का शॉट है और इसमें हम बहुत सारा सैंपल जो है हम आपको आउटडोर में भी दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले कुछ आप इंडोर का सैंपल सब देख लीजिए। हमने पोर्ट्रेट में भी लिया था और इंडोर में पोर्ट्रेट में कहीं कहीं पे आपको हल्का सा गलती देखने को मिल जाएगा, जैसे कि कान के पास में या आपके हेयर के पास में रहेगा। तो अभी हम आउटडोर में आ गए हैं और आउटडोर का फ़ोटो कुछ इस तरह से निकल गया आएगा। और अभी हम फुल स्क्रीन मोड में फ़ोटो को ले रहे हैं तो कुछ ऐसा सैंपल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और एक चीज़ मुझे इसमें यह लगा है कि आप अगर फ़ोटो लेते समय हल्का सा भी आप अपने मोबाइल को अगर हिलाते हैं तो थोड़ा सा फ़ोटो ब्लर आपको देखने को मिल जाएगा, और अगर आप अच्छे से पकड़ के फ़ोटो लेते हो तो काफ़ी अच्छा फ़ोटो आता है और क्वालिटी भी ठीक ठाक निकल के आ जाता है प्राइस के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसा इसका फ़ोटो निकल के आ रहा है। और आपको फ़ोटो लेने समय थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि शार्पनेस बहुत ज़्यादा है इस फ़ोन का, लेकिन जब फ़ोटो आप ले लेंगे एक उसका जो रिज़ल्ट निकलता है, आउटपुट निकलता है, वो काफ़ी आपको बेहतरीन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए कुछ फ़ोटो सैंपल्स हम दिखा देते हैं जो सभी लाइट कंडीशन के हिसाब से लिया गया है। तो यहाँ पे कुछ इंडोर शॉट है जो हमने सेल्फी में भी लिया था और रियर कैमरे से भी लिया था और बहुत अच्छा जो है मुझे प्राइस के हिसाब से लगा था। और यहाँ पे इसका आउटडोर शॉट है और आउटडोर का कुछ इस तरह से आपको फोटो देखने के लिए मिल जाएगा। ह्यूमन बॉडी का भी फोटो अच्छा आ जाता है और आप किसी ऑब्जेक्ट का फोटो लेते हैं तो उसका भी ठीक ठाक आ जाता है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन आप प्राइस को भी देखें, प्राइस के हिसाब से मुझे ठीक ठाक लगता है, आप काफ़ी अच्छा फ़ोटो ले सकते हैं अगर आपको फ़ोटो लेने आता है तो।
लाइट का कंडीशन रहने से बहुत अच्छा परफॉर्म करता है ये कैमरा, और पोर्ट्रेट जो है इसका बहुत अच्छा आ जाता है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी का हो या आप किसी ऑब्जेक्ट का फोटो ले ले, पोर्ट्रेट में कोई भी गलती नहीं करता है डे लाइट में। हालांकि इंडोर शॉट में भी पोर्ट्रेट में उतना गलती नहीं किया था, लेकिन इंडोर में थोड़ा सा आपको नॉइज़ देखने के लिए मिल जाएगा, और आउटडोर में ये चीज़ नहीं है, काफ़ी अच्छा से बैकग्राउंड को ब्लर करता है और मेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, और ग्रुप फोटो भी आप अच्छा से इसमें ले पाएंगे। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं हमने इसे लो लाइट में लिया था, और ये जो फोटो आप देख रहे हैं हमने इसे नाइट मोड एनेबल करके लिया था, तो दोनों का आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि कितना डिफरेंस दोनों में है। लो लाइट में लेने से यहाँ पे बहुत सारा नॉइज़ देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन जैसे ही हम नाइट मोड एनेबल करके फ़ोटो लेते हैं तो काफ़ी फ़ोटो में इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिलता है और नॉइज़ थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है। आउटडोर का भी सेल्फी काफ़ी अच्छा आ जाता है, थोड़ा सा इसमें सेचुरेशन और अच्छा रहता तो फ़ोटो काफ़ी अच्छा लगता देखने में। हल्का हल्का इसमें वाइटनेस ज़्यादा है और सेचुरेशन का कमी है, और हमने पोर्ट्रेट में भी लेने का कोशिश किया है, सेल्फी में पोर्ट्रेट भी काफ़ी अच्छा निकल के आ जाता है अगर लाइट का कंडीशन सही रहे तो। और यहाँ पे कुछ फ़ोटो है जो हमने अलग अलग फ़िल्टर इस्तेमाल करके ये फ़ोटो को लिया है, और फ़िल्टर में कुछ इस तरह से आपको सैंपल्स देखने के लिए इस फ़ोन में मिल जाएगा आपको। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये हमने HD में रिकॉर्डिंग किया है इसी कैमरे से, और कुछ इस तरह से आपको सैंपल्स इसका देखने के लिए मिलेगा, और किस तरह से जो है ब्राइटनेस को एडजस्ट कर रहा है वो भी आप हमें देख के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये जो सैंपल आप देख रहे हैं ये फुल HD में रिकॉर्डिंग किया जा रहा है इसी पोको C31 से, और इसका भी क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी ठीक ठाक निकल के आ जाता है, उतना भी बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप प्राइस को भी देखें, प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक है क्वालिटी, कोई भी आपको इसमें इशू नहीं मिलेगा। और ऑटो फोकस मैंने इसका चेक किया था फुल HD में और HD दोनों में, और दोनों में ही काम करता है, लेकिन हल्का सा डिले करता है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं कहेंगे। जैसे कि ये सैंपल आप देख रहे हैं ये फुल HD का है, और इसमें भी काफ़ी अच्छा जो है आपको ऑटो फोकस देखने के लिए मिल जाता है, और स्टेबलाइजेशन इसका कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा, और ये स्टेबलाइजेशन जो आप देख रहे हैं ये हम HD में कर रहे हैं। चलिए हम भाग के दिखा देते हैं, तो भागने के बाद इसका स्टेबलाइजेशन बिल्कुल नहीं रहता है, देख सकते हैं आप काफ़ी सेक कर रहा है। और ये जो आप सैंपल देख रहे हैं ये फुल HD का है, और इसका भी हम स्टेबलाइजेशन अभी हम नॉर्मल चल रहे हैं, और जैसे ही हम दौड़ना चालू करेंगे उसके बाद ये काफ़ी हिलना चालू हो जाता है। तो इस प्राइस के हिसाब से स्टेबल तो आपको किसी भी फ़ोन में नहीं मिलेगा, 10-12 हज़ार के फ़ोन में भी नहीं मिलता है, तो इसमें तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये जो सैंपल आप देख रहे हैं ये HD में लिया जा रहा है, और इसका भी आप क्वालिटी देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, और इसका स्टेबलाइजेशन भी हम चेक कर लेते हैं किसमें स्टेबलाइजेशन आपको कैसा देखने को मिलेगा। तो ठीक ठाक है, प्राइस को आप देखिए, प्राइस भी इसका काफ़ी कम है दूसरे फ़ोन के कंपैरिजन में, तो उस हिसाब से इसका कैमरा ठीक ठाक है और स्टेबलाइजेशन भी इसका काफ़ी अच्छा है। और इसमें भी आप पीछे देख सकते हैं एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, और जैसे ही हम पीछे में टच फोकस से इसे हम स्विच करते हैं तो कुछ इस तरह से होगा, मेरे फेस पे जो लाइट आ रहा था वो पीछे में चला गया है और ऑटोमेटिक फिर से वापस मेरे फेस पे आ गया है, और अभी ठीक मेरे फ्रंट से लाइट आ रहा है, कुछ इस तरह से आपको कैमरा देखने को मिलेगा इसमें। और ये जो आप सैंपल देख रहे हैं ये फुल HD में लिया जा रहा है, और ठीक मेरे पीछे सन है तो आप देख सकते हैं फेस को कवर कर रहा है, तो पीछे जो है पूरा गायब हो जा रहा है, और पीछे हम फोकस कर रहे हैं, ऑटो फोकस कर रहे हैं, तो मेरा फेस उतना अच्छा से नहीं दिख रहा है। तो यही होगा कि एक साइड में ही एक्सपोजर एडजस्ट रहेगा, दोनों साइड में एक्सपोजर एडजस्ट नहीं रह सकता है। तो डायनेमिक रेंज जो है आप इसका देख सकते हैं कैसा है, ज़्यादा जब लाइट आएगा पीछे से तो कुछ इस तरह से डायनेमिक रेंज आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। भाई देखो बंदर 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 चार क्या देखिए, ये देखिए बंदर का। और ये जो आप सैंपल देख रहे हैं ये लो लाइट में लिया गया है, लगभग जो है शाम हो चुका है, तो इसी के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे लो लाइट की कंडीशन में आपको कैसा देखने को मिलेगा। मुझे बहुत सारा नॉइज़ देखने के लिए मिला है लो लाइट कंडीशन में, जो है मैं बता देना चाहता हूँ क्योंकि झूठ बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं मुझे। और ये जो सैंपल देख रही है फुल HD में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसी कैमरा से, और इसका क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, मुझे दोनों में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है, इसमें भी नॉइज़ है उसमें भी नॉइज़ था, बस थोड़ा सा क्वालिटी इम्प्रूव करने का कोशिश किया है इस फ़ोन ने, बट मुझे उतना ज़्यादा डिफरेंस लगा नहीं, दोनों में आपको ज़्यादा नॉइज़ मिलेगा। और यहाँ पे लगभग रात हो चुका है, और इस रात का कंडीशन में कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ इसमें आ रहा है। तो अगर आप लो लाइट के लिए इस फ़ोन को ले रहे हैं तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। तो
तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जूम करने के बाद इसका क्वालिटी कितना लॉस हो जा रहा है, और फुल एचडी का भी वही हाल है। ऐसा नहीं कि उसमें क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा भी आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि इसका कैमरा कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेक सिंपल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।